हर एक तरफ से उसको वहां पर कार्य करना चाहिए। रेतत्व तभी समाप्त होगा या अच्छी बातें बोलते को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। एक दिन मैं इन्हीं के घर में गरुड़ पुराण पढ़ रहा था तो बातें चली हुई थी, बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्रोक्त बातें हैं और ऐसे आदमियों को जो नहीं सुनने वाले हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत पयपानम को झंकाराम केवलम विस्वर्धनम, उनका गुस्सा बढ़ता है। उससे सांपों को दूध मिलाने से गुस्सा उनका भी विचार बढ़ता है। चाणक्य नीति का श्लोक है जो मैंने बोला है। कहने का तात्पर्य कि ये मृत संस्कार जो है जो विधिवत करना चाहिए। बाकी देखिए रोटी रट्टी खा दी कहने कहा असली काम जो है आप धर्म शांति नहीं करते नहीं कर सकते मत करिए, किंतु क्रिया कर्म विधि विधान से करिए। दो दिन का कार्य दो घंटे में करके आचार्य चला जा रहा है, कैसे जाता है वो? आप ही नहीं करवाने वाले करवाते हैं तो वो क्यों करेगा? दो दिन ये विधान कहता है। आप कहते हैं कि जैसे आज द्वादशा होना चाहिए था, छोड़ा अगले दिन होना चाहिए था, तब आपको रविवार आ गया। कहीं ये शास्त्रोक्त बात है कि रविवार आ जाए तो धर्म शांति नहीं हो सकती। ऐसा कोई विधान नहीं है, ये अपने मन के बनाई हुई बातें हैं, अपने आप बनाते हैं हम, किसी का कोई कसूर नहीं है। किंतु देवते जड़े वो मनी जाते हैं, पितर जो बिरकटी आ तो मनता नहीं बुरा हाल करता होता, वही है कि उसके क्रिया कर्म जो विधिवत कर। बमन नाग वायु से, उन्मीलन कुरुम वायु से, छींक क्रिकल वायु से, झुंबड़ में देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता, ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। ज्ञान वायु अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए अन्न को वायु दो हिस्से में विभाजित करता है। भोजन अन्न जल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल के ऊपर अन्न आता है, उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब यह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। उस रस को ज्ञान वायु सब शरीर में ले जाता है, तब बाहर द्वार से अन्न जल को बाहर निकालने के लिए रास्ते हैं। कान नेत्र नासिका जीव दांत नाभि नख गुदा लिंग मस्तक शरीर रोम ये बाहर मल निकालने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य देह के दो रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए, 7 लाख बाल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं, 1000 पल, 4000 तोला, 4000 तोला मांस, 100 पल, 400 तोला रुधिर, 10 पल, 40 तोला मेद, 70 पल, 280 तोला
त्वचा 12 पल 48 तोला, मज्जा 3 पल 12 तोला, महारक्त 2 कुड़ 12 मुट्ठी, धातु 1 6 मुट्ठी, श्रोणित आदि संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 308 है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म दो तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। 50 पल हे गरुड़, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि। और सुनो, अजपा का उत्तम क्रम मैं बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से अपने जीव भाव को जीव त्याग देता है। मूलाधार, स्वदाष्टिपान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये खंड चक्र कहे जाते हैं। मूलाधार में, सुषुम्न स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहुओं के बीच में, ब्रह्मरंध्र में खंड चक्रों का चिंतन करते हैं। मूलाधार खंड चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का अग्नि सदृश वर्णन है, इसके चार अक्षर ब श ख स है। स्वधाय ध ण त थ द त न प फ, अनाहत चक्र स्वर्ण में, उसके क ख ग क ण, ये 12 दल है। विशुद्धाख्या चक्र चंद्रमा के तुल्य है, इसके 16 स्वर हैं अ आ ई वगैरह। भ्रकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण है, इसके इन या ये दो वर्णन है। इस तरह खंड चक्र का स्वरूप था। इन खंड चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदा शिवमय, हंसो हंस है। इस मंत्र को ठीक जपता इस जप संख्या में 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6 विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए समर्पित। उस कमल पर एक हंस है, उस पर हाथ में हर मुद्रा अभय मुद्रा वाले ज्ञोत्रुतामाजस्यस्पतिर्यज्ञमिमंतनोतरिष्टं यज्ञं सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਾਰਨਾ ਕਰ ਦੇ।
ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਾ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੜ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੈ ਗੁਣਵਾਨ ਭਾਗਯਵਾਨ ਧਰਮਜ੍ਞ ਸੁਬੁੱਧੀ ਆਕਰ ਪਾਂਚ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਮਧੁਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਚੰਦਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਧਰਮ ਸਮਰਣ ਕੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਦੇਵ ਚੇਤਾ ਵੀਰ ਆਦਿ ਕੀ ਜਬ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਬ ਤਬ ਪੁਸ਼ਕਾ ਇਸਤਰੀ ਯੋਨੀ ਮੈਂ ਧਾਤੂ ਕਾ ਗਿਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਰੁਦ੍ਰ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਮੈਂ ਬਿੰਦੋਤ ਪਾਤੀ ਹੂੰ। ਘਰ ਮੈਂ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋ ਦੇਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਭ ਉਸ ਸਭਨਾ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਣਿਆ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਧਨ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਵੀ ਜਲ ਤੇਜ ਵਾਯੂ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਥੂਲ ਭੂਤ ਦੇਹ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨਸੇ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੌੜ ਤਵਚਾ ਅਸਥੀ ਨਾੜੀ ਰੋਮ ਮਾਸ ਇਹ ਪਾਂਚ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਭੂਮੀ ਕੇ ਕਹਿ ਲਾਲ ਮੱਝਾ ਰੁਧਿਰ ਸੇ ਜਲ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਾ ਅਬ ਤੇਜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਹੇ ਗੌੜ ਸ਼ੁਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਆਲਸ੍ਯ ਕਾਂਤੀ ਜੇ ਪਾਂਚ ਗੁਣ ਤੇਜ ਕੇ ਯੋਗੀਓ ਮੈਂ ਕਹੇ। ਸੁਨਾਪਨ ਮੋਹ ਸੰਸ਼ੇ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਪਾਂਚ ਗੁਣ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਹੰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਅੰਤਕਰਨ ਜੋ ਕਹੇ ਹੈ ਵੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਪੀੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਗਾਂਧਾਲੀ ਮਤਸੀਬਾ ਉਸ਼ਾ ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਅਲੰਬੁਜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੇ ਮੱਧ ਮੈਂ ਸਥਿਤ ਦਸ ਨਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਹੈ। ਪੀੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਸ਼ਮਨਾ ਏਕ ਨਾਸਿਕਾ ਸਭੀ ਬਾਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਹਮ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵਿਆਹ ਆਈਆ ਦਿਨ ਘਟਾਈ ਲੈ ਬਾਰਕੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪੋਤਰੋ ਚਾਰਣ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਕਾ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਕੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਉਸਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾ ਉਸਕੇ ਪੜਬਾਬਾ ਕਾ ਤਬ ਵੀ ਬੋਲੋ ਪਿਤਰੋ ਕੇ ਨਾਮ ਮਤ ਲੋ। ਉਸਕੇ ਉਪਰੰਤ ਵੇਦਿਕਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀ ਜਾਤੇ ਤੋ ਪਿਤਰੋ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਹੁਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਵੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਤਾਤਪਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਮਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੰਗ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੋ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਆਜ ਹਮ ਹੈ ਵੋ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ। ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਰੋਂ ਕਾ ਕਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਬੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ
क्या बोलते हैं आचार्य आ जाता है घर में, जे तो करे बैठे उसके घर उठे खाते बी रोटी चाह पानी बंद, जिस पिंड चो रहा पिंड भुखा रहा भूखा पी, जिस गांव में रहता भूखा रहता वो खाना नहीं खाते वो लोग, ऐसा नहीं है। वो मेहमान है आपका, आप चाय पीने के लिए हर एक तरफ से उसको वहां पर कार्य करना चाहिए। रेतत्व तो तभी समाप्त होगा या अच्छी बातें बोलते हैं को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। एक दिन मैं इन्हीं के घर में गरुड़ पुराण पढ़ रहा था तो बातें चली हुई थी, बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्रोक्त बातें हैं और ऐसे आदमियों को जो नहीं सुनने वाले हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांते पयपानम भुजंगाराम केवलम विस्वर्धनम, उनका गुस्सा बढ़ता है उससे, सांपों को दूध पिलाने से गुस्सा उनका भी विचार बढ़ता है। चाणक्य नीति का श्लोक है जो मैंने बोला है, कहने का तात्पर्य कि ये मृत संस्कार जो है जो विधिवत करना चाहिए। बाकी देखिए रोटी रोटी खाधी कहने कहा असली काम जो है, आप धर्म शांति नहीं करते नहीं कर सकते मत करिए, किंतु क्रिया कर्म विधि विधान से करिए। दो दिन का कार्य दो घंटे में करके आचार्य चला जा रहा है, कैसे जाता है वो? आप ही नहीं करवाने वाले करवाते हैं तो वो क्यों करेगा? दो दिन का, दो दिन क्रिया करनी चाहिए ये विधान कहता है। आप कहते हैं कि जैसे आज द्वादशा होना चाहिए था, 16 अगले दिन होना चाहिए था, तब आपको रविवार आ गया। कहीं भी शास्त्रोक्त तो बात है कि रविवार आ जाए तो धर्म शांति नहीं हो सकती, ऐसा कोई विधान नहीं है, ये अपने मन के बनाई हुई बातें हैं, अपने आप बनाते हैं हम, किसी का कोई कसूर नहीं है। किंतु देवते जड़े वो मनी जाते हैं पितर जो बिरकटी आ तो मनता नहीं बुरा हाल करता हूं, वो ही है कि उसके क्रियाकर्म जो विधिवत कर रहता है। बमन नाग वायु से, उन्मीलन कुरुम वायु से, छींक क्रिकल वायु से, झुंबड़ में देवदत्त वायु से होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता, ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। ज्ञान वायु अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है, आहार किए अन्न को वायु दो हिस्से में विभाजित करता है। भोजन अन्न जल, अन्न जल ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पीछे जठराग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है, उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है, तब बाहर द्वार से अन्न जल को बाहर निकालने के लिए रास्ते हैं। कान नेत्र नासिका जीव दांत नाभि नख गुदा लिंग मस्तक शरीर रोम ये बाहर मल निकालने के रास्ते हैं। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में है, जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लगते हैं। हे गरुड़ सुनो, मनुष्य देह के दो रूप हैं, शरीर से व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक।
व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए, 7 लाख बाल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं, 1000 पल, 4000 तोला, 4000 तोला मांस, 100 पल, 400 तोला रुधिर, 10 पल, 40 तोला मेद, 70 पल, 280 तोला त्वचा, 12 पल, 48 तोला मज्जा, 3 पल, 12 तोला महारक्त, 2 कुड़, 12 मुट्ठी धातु, 1, 6 मुट्ठी श्रोणित आदि संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 308 है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म दो तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। 50 पल पित्त, 25 होते हैं और ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं, वे इसमें भी होते हैं। पर्वत नीचे के कोने में मंदरा जल, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय, ऊपर की लिखी ऊपर मिशन पर्वत, दाहिनी रेखा में हड्डी स्थान में जम्बूदीप, मज्जा में शाकदीप, मांस में पुष्पदीप, शिराओं में क्रांतदीप, त्वचा में सलमली द्वीप, रोमों में प्लसदीप, नख में पुष्कर, ये हे गरुड़ कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह हमारा शरीर है। ये पूरा जो हम नवग्रह मंडप बनाते हैं वो पूरा उसके ऊपर घटता है। नवग्रह तो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है, ये वही बोला है कि कहाँ कहाँ कौन से ब्रह्मांड में बृहस्पति जी है, मुंह में राहु, वायु स्थान में केतु आदि नवग्रह। इस प्रकार सर्वात्मक सो स्वरूप द्वारा अपने शरीर का मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा अजपा नाम गायत्री, वो ब्राह्मण गायत्री नहीं करता है वो सूत्र को सुना, जो गाते गाते ही मोक्ष को तार दे उसको कहते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ मजबूत हो जितना, हे गौर सुनो, अजपा का उत्तम क्रम मैं बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से अपने जीव भाव को जीव त्याग देता है। मूलाधार स्वदाष्टिपान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये खंड चक्र कहे जाते हैं। मूलाधार में, सुषुम स्थान में, नामी में, हृदय में, कंठ में, बहुओं के बीच में, ब्रह्मरंध्र में खंड चक्रों का चिंतन करते हैं। मूलाधार खंड चक्रों के चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का अग्नि सदृश वर्णन है, इसके 4 अक्षर ब श ख स है। स्वधि स्थान चक्र स ढ ण त थ द त न प फ, अनाहत अनाहत सब चक्र स्वर्ण में, उसके क ख ग ख न, ये 12 दल है। विशुद्धाख्या चक्र चंद्रमा के तुल्य है, इसके 16 स्वर हैं अ आ ई वगैरह। भ्रकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण है, इसके इन या ये 2 वर्ण है। इस तरह खंड चक्र का स्वरूप कहा, इन खंड चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है, वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदाशिवमय, ज्योतिमय, हंसो हंस है। इस मंत्र को ठीक जपना, इस जप संख्या में 600 गणेश के लिए
6000 ब्रह्मा के लिए, 6 विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए समर्पित त्रिखंड चक्रों में स्थित तदनंतर गुरु के आदेश से जपा नाम वाली गायत्री स्नान जप करें। उस कमर पर एक हंस है, उस पर हाथ में हर मुद्रा अभय मुद्रा वाले गुरु मानव नाम धारा से लेने प्रदान किया ऐसे मार होता है। फिर श्री कृष्ण रूप से जिस रूप का ध्यान किया उस स्वयं ज्योति सनातन सदानंद का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अपने मन को स्थिर करें, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाएगा। इस प्रकार तप योग आदि उपायों द्वारा मोक्ष मिलता है, फिर भी संसारिक जीवों के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा जी सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का 3-3 बार मनन कर भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञ आदि सधर्म से मन निर्मल होता है, फिर भी मेरी भक्ति फल को देने वाली है, जिसको प्राप्त कर पुनर्जन्म क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार पुण्यात्मा प्राणी आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यदि श्री गरुड़ पुराणे सारोधारे मोक्षो पंचदशो बृहस्पति ब्रह्मण हेतेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन माम मनोज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर् यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समं ददातु विश्वदेवास हिमादिजन्ता ॐ प्रतिष्ठे गुरवे प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्ने तेन यज्ञं तुजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਬਾਰਨਗਰ
ਓਮ ਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੌੜੀ ਡਾਲ ਦੇ ਪੱਠੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਮਨੂ ਤੁਸੀਂ
ਕੌਫੀ ਪੀਓ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਆਪਕੋ ਮੇਰੀ।